कोरोना वायरस की जन जागृति के लिए शहर के दुकानदारों ने स्वयं अपने दुकान बंद रखे हैं। कोरोना वायरस से दो हाथ करने के लिए गली से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके पूरे विश्व में जन जागृति का काम किया जा रहा है। कोरोना वायरस से दो हाथ करने के लिए एवं जन जागृति करने के लिए सिनेमा घरों से लेकर बाजारों तक सभी दुकानदारों ने खुद ब खुद अपनी दुकान बंद कराकर कोरोना वायरस की जन जागृति की है। आइए एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस को लेकर बंद रहे बाजारों पर। कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से जन जागृति की जा रही है, जो दुकानदारों ने आज यहाँ बंद रखा, कुछ ऐसे इस शहर के सामाजिक कार्यकर्ता और दुकानदार दोनों इस समय मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि आज जिस तरह से ये केलीबाग रोड, जहाँ पांव रखने के लिए कभी जगह नहीं रहती है, आज पूरा खुला दिखाई दे रहा है, क्या लगता है आपको कि क्या लोगों का कितना सहयोग है? नहीं, कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में एक जो मतलब हड़कंप मचा दिया है, उसके लिए जो मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपील की लोगों को, व्यापारियों को, कि इस वायरस को अपने को हराने का है, अपने को इसमें जीतना है, तो सभी को सहयोग का जो अपील किया है उसको पूरे लोग, व्यापारी लोग, नागरिक लोग, सारे दुकानदार, और स्पेशली जो महल में जिस रोड पर हम लोग खड़े हैं, केलीबाग रोड में, वहाँ पर काफ़ी गर्दी होती है, और सभी लोगों ने इसको अतिशय मतलब जो रिस्पॉन्स जैसे बोलेंगे ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स को दिया। सारे लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी, अपने दुकानदार मतलब जो भी मतलब जो पब्लिक भी जो है वो भी घर से नहीं निकल रही है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस कोरोना वायरस के विरुद्ध लोगों ने इसमें दिया है। सर, आपकी यहाँ दुकान है, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार जो है केलीबाग रोड ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, और उन्होंने क्या है कि खुद होके दुकानें बंद किया है। एक तो डर ये है कि भैया अपने यहाँ पे इतना बड़ा स्टाफ होता है, उसका हेल्थ के लिए अपन ने केयरफुल रहना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि कस्टमर जो आ रहे हैं, यदि कोई सफर हो रहा होगा तो अपने को कॉन्टेजियस है ये डिसीज, तो होना नहीं चाहिए, ये भी एक प्रकार का डर है। और तीसरा यह है कि पुलिस ने खुद ने मतलब इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि हम पुलिस को बहुत मतलब ये करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे पुलिस का काम, कि जिसके कारण पूरा मतलब मार्केट बंद है। अदरवाइज ये मार्केट कभी बंद होता नहीं है, मगर इस बार क्या डर है और पुलिस का भी डर है, दोनों भी चीज़ें होने के कारण इस मार्केट को बंद किया गया है। 22 तारीख को अपने देश के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है श्री माननीय मोदी साहब, इन्होंने कल अपील किया कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू करके सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक उन्होंने अपील किया लोगों को, और काफ़ी पब्लिक पूरे देश के लोग हैं इसमें सम्मिलित होंगे, सारे लोग सपोर्ट करेंगे। और शाम को 5 बजे इसी दिन उन्होंने अपील की कि जितने भी लोग मतलब इस व्यवस्था में, जैसे डॉक्टर्स लोग हैं, अपने पुलिस प्रशासन है, और खास करके मीडिया है, सारे लोगों को जो अवेयर कर रही है, इनको अप्रिशिएट करने के लिए, इनको धन्यवाद देने के लिए सारे लोगों ने तालियां बजाने को होना, घंटी बजाने को होना, और इन सभी लोगों को इस माध्यम से धन्यवाद देने के लिए ये अपील सारी जगह है अप्रिशिएट होती है। दर्शकों, इस समय भी इनबीसीएन की टीम है बुधर बाजार महल में, जहां पे हम आपको बता सकते हैं कि पूरी बाजार बंद हो चुकी है, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर जिस प्रकार से राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो जो जन जागृति कर रही है, उसका असर कहीं ना कहीं इन बाजारों पे होते हुए दिखाई दे रहा है। हम आपको अभी लेके चलते हैं एक ऐसे थिएटर के पास जो अक्सर ये थिएटर शुरू रहता है, ये नोवा सिनेमा है महल विभाग में आने वाला, जहां पे बागी 3 यह फिल्म लगी है और पूरी तरह से बंद है, क्योंकि राज्य सरकार ने जो उन्हें एक एहतियातन जो एक बंद करने का जो निर्देश दिया गया था, उसके अनुरूप यहां पे आज पूरी थिएटर बंद है। अक्सर ये मूंग पकौड़े का वही ठेला है जहां पे प्रतिदिन 100 और 150 प्लेट बेचने वाला ये दुकानदार भी आज कोरोना वायरस की जनजागृति करने के लिए खुद अपना सहयोग देते हुए आज इसने अपना ठेला तक बंद कर लिया। थोड़ी इस और बताइए, ये चाय की वो टपरी थी जहां पे प्रतिदिन 150 से 200 लीटर चाय यहाँ पे कटती थी, मगर आज का दिन है कि पूरी तरह से बंद है। यानी कहने का मतलब यह है कि शहर के जनता ने खुद के और की तरफ से और रोकथाम करने के लिए कोरोना की और सरकार को सपोर्ट करने के लिए ये काफी अच्छा काम किया है। आज पूरी तरह से ये बाजार बंद दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से थोड़ा पैन करके बताएं कि ये जो बॉक्स ऑफिस है जहाँ टिकट घर लिखा हुआ है, अक्सर ये यहाँ भीड़भाड़ होती है, जो दर्शक आते हैं यहीं से टिकट खरीदते रहते हैं। और लेकिन बागी 3 एक ऐसी फिल्म जो टाइगर श्रॉफ की है, जो लोग देखना पसंद करते, मगर आए दिन कोरोना वायरस को लेके फिर से एक बार सरकार ने जो पहल की है उसके लिए ये इंप्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये थिएटर भी बंद है। अब हम आपको थोड़ा रुक करके लेके जाएंगे अगले परिसर की ओर, जहां पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे किताब का बहुत बड़ा मार्केट है, और ये मार्केट महल किताब मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, और जो जिस तरह से आज ये पूरी दुकानें जो बंद है, दुकानदारों ने अपने और से भी सरकार
करके इस पहल को सपोर्ट किया है और कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए, कोरोना वायरस की जन जागृति करने के लिए और कोरोना वायरस को दूर दूर तक भगाने के लिए सभी भारत के लोग पूरी तरह से तैयार है। इसी श्रृंखला में नागपुर शहर के लोग भी तैयार है। आप ये जो पूरे जो आपको ठेले जो दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे छोटे छोटे जो दुकानदार है, छोटे छोटे चीजें बेच के अपने और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, वे लोग भी इसमें सम्मिलित है, पूरी तरह से सहयोग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अब हम आपको लेके चल रहे किताब मार्केट की ओर, आइए हमारे साथ। अक्सर ये वही किताब का मार्केट है जहाँ पे प्रतिदिन कई स्टूडेंट हो या उनके अभिभावक हो अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदते रहते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से सरकार की ओर से जो गाइडलाइन दी गई उसके एहतियात बरतते हुए आज दुकानदारों ने स्वयं ये दुकानें बंद किया। आप देख सकते हैं पूरा सन्नाटा सा यहाँ पे छाया हुआ है, तमाम दुकान यहाँ पे बंद दिखाई दे रहे हैं, पूरा कामकाज बंद है, हर कोई कोरोना वायरस को लेकर जन जागृति करते हुए नजर आ रहा है। ये वही इलाका है जहाँ किताब मार्केट, किताब का एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसे बुधवार बाजार भी के नाम से जाना जाता है। ये तमाम दुकानें देखिए, यहाँ पे सभी प्रकार के मेडिकल और इंजीनियरिंग के ये तमाम किताबें इस रूम में रहती है, इस अलमारी में रहती है, मगर जिस प्रकार से ये जो लॉक लगा हुआ है इससे लोगों ने भी समर्थन किया हुआ है और लोग इस प्रकार से कोरोना वायरस की जन जागृति करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पूरा इलाका है पूरा सन्नाटा है यहाँ पे है, क्योंकि तमाम दुकानें वे पूरी तरह से बंद है। कोरोना वायरस को लेकर जिस प्रकार से जो जन जागृति की जा रही है, आज दुकानें काफी बंद है। पूरा देश में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने जो पहल किया और उन्होंने जो बताया कि 22 अप्रैल को 7 से 9 बजे तक के एक जनता का कर्फ्यू के नाम से एक उन्होंने जो घोषणा जो की है कि लोग अपने घरों में रहे, इस प्रकार से कुछ दुकानदार है जिन्होंने अपने स्वयं होके इन दुकानों को बंद किया है। आप देख सकते हो तो वही कुछ ऐसे भी इस परिसर के छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्रिकेट का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग है कोरोना वायरस को लेकर लोगों में जन जागृति काफी अच्छी दिखाई दे रही है। ये तमाम बच्चे देख रहे हैं, आप मास्क लगाए हुए क्रिकेट जरूर खेल रहे हैं और कोई भी कोरोना वायरस से कोई भी संदिग्ध न हो इसके लिए भी यहाँ पे एक शिविर का आयोजन भी करने जा रहा है। इस प्रकार का ये कामकाज यहाँ होने जा रहा है। आप हमारे सिर्फ दाई ओर देख सकते हैं कि वहाँ पे केलीबाग रोड है, ये वो केलीबाग रोड है जिसका विकास होना भी बाकी है, मगर केलीबाग रोड आज पूरी तरह से बंद है। कभी कभार इस परिसर से जब इस सड़क से हम चलते हैं तो पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं होती। ऐसे में आज यहाँ पे एक साथ चार पहिया वाहन आवागमन कर सकते हैं, इतना बड़ा रोड जो है पूरी तरह से खुला दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की जनजागृति का ही एक पार्ट कहा जा सकता है, जिसको पूरे भारतवर्ष के साथ साथ नागपुर शहर के नागरिकों ने भी इसको पूरा अपना समर्थन और सहयोग दिया हुआ है। नागपुर के इस ऐतिहासिक बुधवार बाजार से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।